आप सभी को शरद पूर्णिमा और कार्तिक मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। साल की 12 पूर्णिमा में से शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये पूर्णिमा तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की उपासना कर कोजागर पूजा की जाती है। ये पूजा सर्व समृद्धिदायक मानी गई है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में सुख शांति स्थापित होती है। और सबसे खास, शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो अपनी किरणों से के जरिए अमृत की बरसात करता है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन 6 शुभ योग का संयोग बन रहा है। आश्विन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 अक्टूबर 2023 की सुबह 4:17 से होगी। आश्विन पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 29 अक्टूबर 2023 सुबह 1:53 पर। स्नान दान सुबह 4:47 से सुबह 5:39 तक रहेगा। सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:54 से सुबह 9:17 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय शाम 5:20 से रहेगा। लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 28 अक्टूबर 2023 रात 11:39 से 29 अक्टूबर 2023 की सुबह 12:31 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन बुधादित्य योग, त्रिग्रह योग, गजकेशरी योग, शश योग, रवि योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन 6 शुभ योग में मां लक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होगा। ऐसे में व्रती को पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन रवि योग सुबह 6:30 से सुबह 7:31 तक रहेगा। सिद्धि योग 28 अक्टूबर 2023 रात 10:52 से 29 अक्टूबर 2023 रात 8:01 तक रहेगा। आरोग्य, धन और सुख प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा सबसे खास है। शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी धरती पर आगमन होने से भक्तों के धन धान्य और भरपूर रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। वहीं इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करती है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और फिर इसका सेवन किया जाता है। कहते हैं खीर अमृत के समान हो जाती है। मानसिक शांति के लिए भी इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी गई है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं देवी लक्ष्मी इस दिन रात्रि में धरती पर विचरण करने आती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर निशिता काल मुहूर्त में देवी को खीर का भोग लगाने से आर्थिक सुख में वृद्धि होती है तथा सुख समृद्धि का वास हमारे घर में बना रहता है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर 2023 देर रात 2:22 के बाद ही लक्ष्मी पूजा करें। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते उनके चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इन पान के पत्तों को आप सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। कहते हैं इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, धन आगमन बढ़ता जाएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर 2023 शनिवार से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा, जो कि 27 नवंबर 2023 सोमवार कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और दीपदान सुबह सूर्योदय के पहले करना चाहिए और या फिर सूर्यास्त के बाद भी आप दीपदान कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं।
इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महापूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इस बार कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है, इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्रीहरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या किसी अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। कोजागरी पूर्णिमा के दिन खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण यह ग्रहण रात्रि 1:05 से रात्रि 2:23 तक रहेगा। इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दोपहर 4:05 पर लग जाएगा। इस दिन सूतक लगने के पहले खीर बनाकर रखें एवं उसमें कुशा या तुलसी पत्र डाल दें तथा ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में वितरण करें। यह ग्रहण कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी पूर्ण अवधि 1:18 की होगी। यह ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जा सकता है। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अवस्था में पहुंचकर चंद्रमा का रंग रक्त की तरह लाल दिखाई देने लगेगा। यह एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा धरती के अत्यंत करीब दिखाई देता है। यह ग्रहण भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी दिखाई दे सकता है, जैसे इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। सूतक का समय 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 से 29 अक्टूबर की सुबह 2:23 सूतक लगने के पहले पूजा एवं भोजन आपको कर लेना चाहिए। सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना वर्जित रहता है। रोगी, वृद्ध, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां सूतक के दौरान खाना पीना कर सकती हैं। सूतक प्रारंभ होने से पहले पके हुए भोजन, पीने के पानी, दूध, दही आदि में तुलसी पत्र या कुशा डाल दें। इससे सूतक का प्रभाव इन चीजों पर नहीं होता। ग्रहण काल में कुछ सावधानियां आपको अवश्य रखना चाहिए। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणें का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण काल के दौरान नहीं किया जाता है। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। वृद्ध, रोगी, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां जरूरत के अनुसार सो सकती हैं। वैसे यह ग्रहण मध्य रात्रि से लेकर तड़के के बीच होगा, इसलिए धरती के अधिकांश देशों के लोग निद्रा में होते हैं। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा नहीं करना चाहिए, दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। ग्रहण काल में स्नान न करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान आप कर सकते हैं। ग्रहण को खुली आंखों से बिल्कुल भी ना देखें, इससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऊपर पड़ती हैं। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण का सबसे अधिक असर गर्भवती स्त्रियों पर होता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर ना निकलें। बाहर निकलना जरूरी हो तो गर्भ पर चंदन और तुलसी के पत्तों का लेप कर लें। इससे ग्रहण का प्रभाव गर्भवस्थ शिशु पर नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान यदि खाना जरूरी हो तो सिर्फ खान पान की उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करें जिनमें सूतक लगने से पहले तुलसी पत्र या कुशा डला हो। गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी, ब्लेड, कैची जैसी काटने की किसी भी वस्तु का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे गर्भ में पल रहे बच्चों के अंग पर बुरा असर पड़ता है। सुई से सिलाई भी ना करें। माना जाता है कि इससे बच्चे के कोई अंग जुड़ सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान भगवान के नाम का जाप आपको करते रहना चाहिए। इससे भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।